और इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड के रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक ममता देवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल आईपीएल गोलीकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद हजारीबाग की पुलिस ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी और मुख्य अभियुक्त भाजपा नेता राजीव जायसवाल सहित सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने फिलहाल उन्हें अपने कस्टडी में रखा है और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। विधायक ममता देवी सहित अन्य आरोपियों को कितनी सजा होगी यह फिलहाल तय नहीं है। आज कोर्ट में सुनवाई के बाद सभी को दोषी करार दिया गया। अब कोर्ट सजा के बिंदु पर अपना फैसला 12 दिसंबर को सुनाएगी। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बताया कि 12 दिसंबर को अधिक सजा की वे मांग करेंगे। हालांकि न्यायालय ने जितनी धाराएं ममता देवी पर लगाई थी उनमें उन्हें दोषी माना है। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि न्यायालय इन्हें लंबी सजा देगी। आशंका जताया जा रहा है कि जितनी धाराओं में उन्हें दोषी पाया गया है उस लिहाज से उन्हें 3 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है। साथ ही ऐसे में इनकी विधाई की जानी भी तय मानी जा रही है। बता दें कि नागरिक चेतना मंच के बैनर तले राजीव जायसवाल, जो उस वक्त झाबुआ में थे और फिलहाल भाजपा में हैं, और वर्तमान विधायक तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी के नेतृत्व में आईपीएल के खिलाफ आंदोलन किया गया था। इस गोलीकांड में 2 लोगों की मौत हो गई थी और कुल 43 लोग घायल हुए थे। इसी मामले में कोर्ट ने सभी आरोपी को दोषी माना है, जिसके बाद सभी को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि नागरिक चेतना मंच के बैनर तले राजीव जायसवाल एवं वर्तमान विधायक सह तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर आईपीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किया गया था। इस बीच विस्थापितों, ग्रामीणों व प्रबंधन के बीच वार्ता विफल होने के बाद विवाद बढ़ गया था। 29 अगस्त 2016 को आईपीएल फैक्ट्री के समीप आंदोलन करने पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प और पथराव हुआ था। इसके बाद फायरिंग में दशरथ नायक, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, एवं रामलखन महतो उर्फ फूतू महतो, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, उनकी मौत हो गई थी। इस घटना में लगभग 43 लोग घायल हुए थे। 2 ग्रामीणों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने गोला के तत्कालीन सीओ के वाहन को जला दिया था। पूरे घटना को लेकर गोला और रजरप्पा थाना में अलग अलग मामला दर्ज किया गया था। एक मामले की सुनवाई हुई जिसमें ममता देवी, राजीव जायसवाल समेत 8 लोगों को 3-3 माह की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इन्हें जमानत पर रिहा किया गया था, जबकि रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/16 एवं गोला थाना कांड संख्या 65/16 में आरोपी ममता देवी, राजीव जायसवाल, कौलेश्वर, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, जद्दू महतो, लाल बहादुर महतो, सुभाष एवं कुंवर महतो को धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराना था। लेकिन न्यायालय में लगातार 3 तारीखों पर ममता देवी समेत 9 अभियुक्तों के अनुपस्थित रहने के कारण जमानत खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी किया गया।